वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ कि शाहरुख खान ने 250 करोड़ रुपए दे दिए, सलमान खान ने 400 करोड़ रुपए दे दिए, अक्षय कुमार ने 180 करोड़ रुपए दे दिए, आमिर खान ने 400 करोड़ रुपए दे दिए। अरे भाई, मैंने तो किसी न्यूज़पेपर में कहीं गूगल पे कहीं भी नहीं सुना कि ऐसे पैसे दिए। अबे यार, हद हो गई, कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ फॉलोअर्स पाने के लिए तुम उल्टी सीधी फेक वीडियो डाल देते हो। और कमाल की बात तो यह है, उन वीडियो पे मिलियन लाइक्स हैं, हजारों कमेंट्स हैं और लाखों शेयर्स हैं। अरे भैया, ऐसी फेक वीडियो से बचो और टिकटॉक प्लीज ऐसी फेक वीडियोस पे हाय, अंदर अंदर से टूटा मैं तेरे इश्क में, खुद ही से रूठा। पिछले वन मंथ से अपने घर नहीं गया, लास्ट 15 डेज बिफोर वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उस दिन दो दिन जाने का मौका मिला। एक मेरे 2 मंथ की बेबी है, नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज स्टे एट होम, डोंट कम आउटसाइड। इस बीमारी को फैलने से प्लीज रोके, बहुत बड़ी समस्या आ रही है देश पे। देख नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, हम देख पा रहे हैं। प्लीज स्टे एट होम, डोंट कम आउटसाइड टिल फर्दर ऑर्डर। ਮੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पलके गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे। अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान, हम जी खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका ये भुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नु पड़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी। कुछ कर
आप लोगों से यह अपील है कि कम से कम उन लोगों की मदद कीजिए जो असहाय हैं, खाना जुटाने में असमर्थ हैं। कम से कम 3 लोगों के छोटे छोटे खाने के पैकेट बनाइए, उन तक पहुंचाइए और इस वीडियो को इतना ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। जिन्होंने अपनी बेटी अपने बेटों को भेजा था बाहर कमाने के लिए, और जब कोरोना वायरस हो गया, जब वो बाहर से नाचने गाने जो लोग गए थे बाहर, जो लोग पार्टी मनाने गए थे, जो लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, हमारे भारत में कोरोना वायरस नहीं था, ये लोग लेकर आए हैं, ये लोग लाए हैं। और ये वो लोग लाए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। आपके पास तो पैसा था ना, तो भारत क्यों बुला रहे हो? भारत तो अच्छा देश नहीं है, इसीलिए तो आपने बाहर भेजा। भारत के अंदर सुविधाएं नहीं है, भारत बहुत घटिया देश है, हम कहते हैं भारत बहुत घटिया देश है, इसीलिए आपने भेजा था ना बाहर। तो बाहर ही रखो बच्चों को, तुम भी बाहर चले जाओ। तुमको चाहिए ना, तुमको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए ना इस समय, क्योंकि संकट की घड़ी है, तो तुम भी बाहर जाओ, उनको यहां मत बुलाओ। आपको यहां बुलाने का उनको अधिकार नहीं है, हमारी जान। आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर एएम देशमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत की जनता कोरोना वायरस जैसे गंभीर विषय को सीरियस नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 2 वीक का जनता कर्फ्यू और लगा देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत में 2 वीक का जनता कर्फ्यू नहीं लगाया गया तो अप्रैल के लास्ट तक भारत के सभी हॉस्पिटल भर जाएंगे और भारत के हालात इटली और ईरान से भी। हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। कह दो के तुम रिवलना, जीना नहीं मुझे है मरना।